खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवीद खान। चलिए आपको दिखाते हैं इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिन 18 अक्टूबर 2021 इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ से लखीमपुर खीरी कांड पर आक्रोश। पश्चिमी यूपी में बारिश के बावजूद रेल रोकने पहुंचे किसान, पुलिस बल तैनात। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर सोमवार को देश भर में किसान 6 घंटे तक रेल रोकने का ऐलान किया। इसे लेकर आज सुबह 10 बजे किसान कार्यकर्ता बारिश होने के बावजूद स्टेशनों पर पहुंच गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, धरना दिया। मेरठ के अलावा मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर व सहारनपुर में किसान कार्यकर्ताओं ने रेल रोकने के लिए किसानों को स्टेशन पर पहुंचने का आह्वान किया। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मेरठ जनपद में 3 जगह कंकरखेड़ा फ्लाईओवर, सकूत रेलवे स्टेशन और प्रतापपुर स्टेशन पर रेल रोकी जाएगी। किसान नेताओं का कहना है कि वेस्ट यूपी के सभी जिलों में आज शाम 4 बजे तक रेल यातायात ठप किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी व प्रवक्ता बबलू जिटोले ने बताया कि इस बार सिटी व कैंट स्टेशन पर रेल रोकने का कार्यक्रम नहीं है। कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे फाटक पर ट्रेन रुकी जाएगी। वहीं आरपीएफ अलर्ट हो गया है, अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो रेलों को आंदोलन है, और हम जो यहाँ कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे फाटकों पर हैं। रही संख्या की बात, जगह एक तो 3 जगह हमारे आदमी हो रहे हैं, और कुछ मौसम खराब होने की वजह से भी आदमी उतने नहीं जुट पाए जितने उम्मीद थी। अभी रास्ते में भी आन लग रहे हैं, और ये जो है हमारा आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों है MSP पर गारंटी है, और जो आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था उसमें बर्खास्त नहीं हुए हैं, उसके लिए आंदोलन। कब तक चलेगा ये? तो जब तक तीनों कृषि कानून हमारे वापस नहीं हो जाते हैं हम लगे हुए हैं, और जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उस अनुसार काम करेंगे। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।